गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर मैथ क्लास एंड गेट रेडी फॉर एक्सरसाइज 8.4। तो व्हाट इज एक्सरसाइज 8.4? मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। अब हमको हमने मीटर सेंटीमीटर यानी लेंथ के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा, मेजरमेंट ऑफ लेंथ यानी लंबाई। तो अब हम पढ़ रहे हैं मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर, हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अब हमारी बारी है मल्टीप्लाई करने की। हमने लास्ट वीडियो में एड एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखा था, अब इसमें हम मल्टीप्लाई के बारे में सीखेंगे। तो मीटर सेंटीमीटर को कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन गेट रेडी टू स्टार्ट। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर A1, 6 मीटर 35 सेंटीमीटर, cm यानी सेंटीमीटर, m मीन्स मीटर, बाई सेवन यानी कि हमको 7 से मल्टीप्लाई करना है। जितना बाई दिया गया है वो हमारा मल्टीप्लाई होगा उतने में, उतने से हम मल्टीप्लाई करेंगे। किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 6 मीटर 35 सेंटीमीटर के। तो कैसे करना है? 6 मीटर एंड 35 सेंटीमीटर बाय 7। अब हमको जैसे हमारे ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये अब हमको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली। अब हमको मीटर एंड सेंटीमीटर, तो मीटर वाला कितना है हमारा 6, सेंटीमीटर वाला कितना है हमारा 35। अब मल्टीप्लाई कितने करेंगे हम सिंपली 7 से, तो 7। अब मल्टीप्लाई तो हमको पता ही कैसे करना है, तो 7 का मल्टीप्लाई पहले 5 में करेंगे। तो 7 5 35 की 5 कैरी हमारा कितना आया 3, तो फिर बचा हमारा 3। तो 7 3 21 21 में 3 ऐड कर देंगे तो 22 23 एंड 24। तो 24 की 4 कैरी कितना है हमारा अब 2, तो मीटर वाले में चला जाएगा, ठीक है। फिर 7 और 6 में मल्टीप्लाई करें, 7 6 42 42 में 2 ऐड करेंगे कितना आएगा हमारा 43 44, तो आया 44। तो अब मीटर वाला हमारा क्या है 44 एंड सेंटीमीटर वाला क्या है हमारा 45। तो हमारा आंसर कितना आएगा इसमें का 44 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर, ये हमारा इसका आंसर होगा। ऐसे हमको मल्टीप्लाई करना है सभी को, ठीक है। तो अब नेक्स्ट में डिवाइड द फॉलोइंग। हमको सिंपली डिवाइड करना है, तो कैसे करना है कि 3 किलोमीटर 500 मीटर बाई 5। अब ये बाई 5 जो दिया है 5 से हमको डिवाइड करना है, कितने को, इतने को डिवाइड करना है, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन हमारा, 3 किलोमीटर एंड 500 मीटर बाय 5, ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड करके, सिंपली डिवाइड कैसे करते हैं। अब बाय 5 यानी कि हमको 5 से डिवाइड करना है, तो किसको डिवाइड करना है, 3 किलोमीटर है, 3 ये हमारा किलोमीटर वाला है एंड 500 हमारा मीटर वाला है, तो यहाँ कॉमा लगा देंगे एंड ये मीटर वाला पार्ट, ठीक है। अब इसको 5 से हम करेंगे, तो 5 से 3 हमारा छोटा है तो इससे डिवाइड नहीं होगा, देन हम इसको ऐड कर लेंगे इसमें। तो कितना हो जाएगा ये हमारा 3 में 5, हमने यहाँ समझ लिख लिया, जोड़ दिया तो हमारा 35 हो गया है ना, 3 5 35। तो देन 35 हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 के टेबल में 35 कितने टाइम पे आता है, 7 टाइम पे। तो 5 7 जा 35, हमने माइनस किया क्रॉस, रिमाइंडर कुछ नहीं बचे, हमारे 00 बचे, तो 00 हमारे यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि नीचे तो हम इसको डिवाइड कर ही नहीं पाएंगे। देन ये हमारे यहाँ ट्रांसफ़र होगा, तो कितना है हमारा 700, ठीक है। तो जो 700 आया हमारा 7 किलोमीटर, क्योंकि 00 तो हमारे मीटर वाले थे, तो मीटर वाला हमारा हट गया, 00 मीटर मान ली कुछ नहीं, तो 7 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, पता नहीं। देन हमको क्या करना है, इसमें हमारा कितना आया 700, तो 700 हमारा क्या है मीटर में, ठीक है ना, मीटर वाला पोर्शन ऐड करके किया था तो हमारे ये मीटर में आएगा, सॉरी कि 7 किलोमीटर नहीं आएगा, ठीक है। ये हमारा टोटल पूरा 700 आया, तो 700 ही रहेगा, तो किस में आएगा हमारा, मीटर में आएगा, ठीक है। तो ये रॉन्ग है, तो आंसर क्या आया हमारा 700 मीटर, इतना हमारा आंसर हो गया। जैसे सेकेंड है 6 मीटर 54 सेंटीमीटर बाय 6, तो 6 मीटर 54 सेंटीमीटर बाई 6, अब इसको हम डिवाइड करेंगे, तो 6 54 कितने से डिवाइड करना है हमको, 6 से डिवाइड करना है,
तो 6 1 6, ठीक है, ये कट गया हमारा, कितना आया हमारा 54, तो यहाँ 54 राइट डाउन कर लेंगे, 54, 6 के टेबल में 54 आता है, 9 टाइम पे, तो यानी कि हमारा ये हमारा पॉइंट था, ये हमारा मीटर वाला है, ये हमारा सेंटीमीटर वाला है, तो मीटर वाला हमारा कितने टाइम पे कटा, 1 टाइम पे, तो ये हमारा 1 हो गया, 54 है सेंटीमीटर वाला, तो सिक्स नाइन जा 54 माइनस किया खत्म, 54 हमारा कट गया, तो 54 किसका था, सेंटीमीटर का, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 मीटर 9 सेंटीमीटर, ऐसे हमको डिवाइड करना है, ठीक है। अब बारी आती है वर्ड प्रॉब्लम की, तो लिखा है आ गर्ल यूज्ड 3 रिबन्स ऑफ 2 मीटर 60 सेंटीमीटर इन हर क्राफ्ट वर्क, एक लड़की है जिसके पास 3 रिबन है जो कि 2 मीटर और 60 सेंटीमीटर के हैं, उसने अपने क्राफ्ट वर्क में यूज़ किया उसको, एंड हाउ मच रिबन डिड सी यूज इन ऑल, तो उसने कुल टोटल कितने रिबन लेंथ यूज़ की है, यानी कि 3 रिबन है 2 मीटर 60 सेंटीमीटर, तो उसने टोटल कितना यूज़ किया, तो एक रिबन की लंबाई है तो हमको इसमें 3 रिबन, तो यानी 2 मीटर 60 सेंटीमीटर में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे करेंगे, 2 and 60 multiply 3, ये मीटर वाला है, ये सेंटीमीटर वाला है, 300, 3 6 18, 18 की 8 कैरी गया 1, 3 2 6 1 7, तो 7 meter 80 centimeter हमारा रिबन यूज हुआ है। फिर बी नंबर है आ मैन वॉक 4 किलोमीटर 375 meter इन एन आवर, एक आदमी है जो 4 किलोमीटर और 375 meter एक घंटे में चलता है, तो हाउ फॉर डज ही वॉक इन 2 आवर, तो वो 2 घंटों में कितनी दूरी चला जाएगा, जब 1 घंटे में इतना चलता है 2 घंटे में कितना जाएगा, तो इसका दुगना जाएगा, जस्ट इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, इसमें मल्टीप्लाई करना है कितने से, 2 से, सेम आंसर आ जाएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई कितने से करना था हमको, 3 से। अब सी का आ पीस ऑफ वायर इज 13 meter 25 centimeter इन अ लेंथ, एक वायर का जो पीस है इसकी लंबाई 13 meter and 25 centimeter है, फिर एन इलेक्ट्रिशियन यूज्ड 6 such pieces, इसी तरह के एक इलेक्ट्रिशियन ने इसी तरह के पीस वायर को 6 पीस यूज़ किया, एक पीस की लंबाई दी है 6 पीस यूज़ किया, तो हाउ मच वायर डिड ऑल इन यूज़, यानी कि उस सभी ने कितने वायर यूज़ किए, तो 6 वायर यूज़ किए हैं, एक वायर की लंबाई इतनी है, तो कितना लंबा गया, 6 वायर हम ऐड कर लेंगे, तो यानी कि 6 से इसमें मल्टीप्लाई दे देंगे, ठीक है, आंसर हमारा आ जाएगा। फिर आ पीस ऑफ क्लॉथ 8 meter 84 centimeter लॉन्ग इस कट टू मेक 4 स्ट्रिप, एक जो कपड़े का टुकड़ा है वो 8 meter and 64 centimeter लंबा है, इस कट टू मेक 4 स्ट्रिप और उसको 4 भागों में कट कर दिया गया, तो वाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिप, तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई कितनी होगी, अब 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे, 4 से कर देंगे, ठीक है ना। फिर आर रिले प्रेस इज टू कवर आर ट्रैक ऑफ 4 kilometer 400 meter डिस्टेंस, आर रिले रेस जो है उसकी ट्रैक की जितनी लंबाई है वो कितनी है, 4 kilometer 400 meter, तो इफ देयर आर 4 athlete इज आर टीम, एक टीम में 4 athlete हैं, तो हाउ मच डिस्टेंस विल ईच आर एथलीट कवर, तो वो कितने दूरी तय करेंगे चारों मिल करके, तो एक ट्रैक की तो लंबाई 4 kilometer 400 डिस्टेंस है, इफ़ आर देयर 4 athlete तो चारों कितनी दूरी चलेंगे, तो चारों इतनी इतनी दूरी जाएंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 का, ठीक है। फिर लिखा है जॉन स्वेम 12 kilometer 715 meter इन 3 hours, जॉन तैरता है जो हमारा पानी में 3 घंटे में कितनी दूरी तैरता है, 12 kilometer and 750 meter दूरी तैरता है, तो हाउ मच डिड ही स्विम इन एन आवर, तो 1 घंटे में वो कितना तैरेगा, तो हम इसको 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा 1 घंटा आ जाएगा, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 3 से, ठीक है।
तो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड देन आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल क्वेश्चंस सो यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट एंड वी मीट अगेन एक्सरसाइज 8.5 सो डू योर वर्क कंप्लीट एंड बाय बाय.